देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन 11वें पाठ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ रहे थे। उसमें अपन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं पढ़ा था कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के आयात निर्यात जो राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार होते, उसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद अपन ने दास व्यापार पढ़ा। उसके बाद अपन पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किन्हीं चार आधारों का वर्णन कीजिए। ऐसा बड़ा प्रश्न आएगा 4 नंबर का। तो उसमें अपन ने पहला पढ़ लिया था राष्ट्रीय संसाधनों भिन्नता, कि एक देश से दूसरे देश में देखें तो भौतिक संरचना जैसे भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा, मिट्टी, जलवायु, इसमें भिन्नता के कारण जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं वो एक देश से दूसरे में क्या होते हैं? अलग अलग पाए जाते हैं। और उसी के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, फसलें, उनका क्या होता है? उत्पादन होता है। दूसरा अपन ने जनसंख्या कारक पढ़ लिया था कि विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण और उसकी जो विविधता होती है वो भी व्यापार की वस्तुओं और जो प्रकार होता है या उसकी मात्रा को क्या करती है? प्रभावित करती है। आज अपन तीसरा आधार पढ़ रहे हैं आर्थिक विकास की प्रावस्था या अवस्था, यानी बड़ा प्रश्न आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किन्हीं चार आधारों का वर्णन कीजिए। देखिए, आर्थिक विकास की प्रावस्था भी जो व्यापार करते हैं वस्तु उनको क्या करती है? प्रभावित करती है विभिन्न देशों के मध्य, कि किस प्रकार की वस्तुओं का आयात करना है, किस प्रकार क्या करना है, निर्यात करना है। क्योंकि कुछ राष्ट्र क्या होते हैं? आर्थिक दृष्टि से अलग विकसित, अविकसित होते हैं, कुछ विकासशील होते हैं और कुछ क्या होते हैं? विकसित राष्ट्र होते हैं। तो उनकी जो वस्तुएं होती हैं, जो उनके मध्य आयात और निर्यात होता है, वो क्या होता है? अलग या भिन्न प्रकार की वस्तुओं का होता है। इन कुछ कच्चा माल वो मंगा लेते हैं और तैयार माल वो भेजते हैं जो विकसित राष्ट्र होते हैं। देखिए, तीसरा आधार है अपना आर्थिक विकास की प्रावस्था या अवस्था, कि देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, यानी देशों में देखें विभिन्न देशों के मध्य जो आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं उनमें व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव, यानी जो व्यापार होता है उसमें किस प्रकार की वस्तुएं, वो क्या होता है? उनका प्रकार परिवर्तित हो जाता है। स्वभाव का मतलब प्रकार, कैसे परिवर्तित होता है यानी बदल जाता है। जैसे कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में, यानी ऐसे देश जहाँ पर अधिक जनसंख्या देखें या अर्थव्यवस्था में देखें तो कृषि का योगदान क्या है? महत्वपूर्ण है। विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान करना। भाई जैसे भारतीय विकासशील देश है तो बाहर कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है वो, या खाद्यान्न वगैरह हो गए, वो क्या करेगा? विकसित देशों को भेज देगा और वहाँ से जो विनिर्मित वस्तुएं हैं जैसे विकसित राष्ट्र हैं तो उनसे क्या करता है? आदान प्रदान करता है, विनिमय करता है। औद्योगिक राष्ट्र देखें तो मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं, यानी विकसित राष्ट्र हैं, बड़े औद्योगिक राष्ट्र हैं, वो मशीनरी होगी, यानी मशीनरी मतलब कोई बड़े मशीन उद्योग हैं या उनसे निर्मित जो उत्पाद हैं उनका क्या करते हैं? निर्यात करते हैं, यानी भेजते हैं, तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। यानी खाद्यान्न मतलब कृषि संबंधित हो गई, खाने के जो भी खाद्यान्न संबंधित गेहूँ चावल जो भी इनको अनाज चाहिए उनका, और अन्य कच्चे पदार्थ यानी जो कच्चा माल होता है पदार्थ के रूप में वो अपने देशों में क्या कर लेते हैं? आयात कर लेते हैं, और इसके बदले में विनिर्मित या विनिर्माण वस्तु क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। तो तीसरा आधार है आर्थिक विकास की प्रावस्था या अवस्था। देखिए दोबारा से कि देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में, यानी विभिन्न देशों में देखें या राष्ट्रों में देखें जब व्यापार करते हैं तो उन देशों की अवस्था या प्रावस्था क्या होती है? अलग अलग होती है। यानी कोई विकसित है, विकासशील है, कोई अलग विकसित है, कोई पिछड़ा हुआ राष्ट्र है, तो उनमें व्यापार की जो वस्तुएं होती हैं यानी जिनपे व्यापार होता है, क्रय विक्रय वो करते हैं, तो उन वस्तुओं का स्वभाव यानी किस प्रकार की वस्तुओं को कर रहे हैं आयात और निर्यात, या उनका प्रकार क्या हो जाता है? परिवर्तित या बदल जाता है। और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में, यानी ऐसे देश जहाँ पर कृषि का योगदान बहुत ज़्यादा है या कृषि पर वो देश के निर्भर हैं, तो विनिर्माण वस्तुओं के लिए यानी जिन वस्तुओं का विनिर्माण करते हैं यानी ऐसी वस्तुएं जो द्वितीयक उद्योग संबंधित हैं, विनिर्मित वस्तुएं, उनका कृषि उत्पादों का विनिमय करते हैं, यानी कृषि उत्पाद खरीद लेते हैं और विनिमय निर्मित जो भी वस्तु है, मशीनरी है, वो उन देशों को क्या करते हैं? उनके बदले में बेच देते हैं। एक आदान प्रदान चलता रहता है व्यापार में, क्या क्रय विक्रय, यानी जैसे अपन भारत को ये वस्तुएं किसी देश से आयात कर रहे हैं और जो भारत में अधिक खाद्यान्न वगैरह उनका क्या करता है? भारत निर्यात करता है, तो ऐसे व्यापार का क्या चलता रहता है? एक चक्कर चलता रहता है। इसी तरह औद्योगिक राष्ट्र यानी बड़े विकसित राष्ट्र औद्योगिक राष्ट्र, वो मशीनरी
यानी मशीनों से संबंधित हैं, और निर्मित उत्पाद या उनसे संबंधित जो भी निर्मित बड़े उत्पाद हैं उनका क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं, निर्यात उन भेज देते हैं, तथा खाद्यान्न और अन्य कच्चे पदार्थों का क्या करते हैं, आयात करते हैं। इसके अलावा खाद्यान्न जैसे कृषि संबंधित खाने के अनाज हैं, या जो कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल जो इनको चाहिए, उनका क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो इस प्रकार इनके मध्य क्या चलता रहता है, व्यापार चलता रहता है। तो तीसरा आधार के आर्थिक विकास की प्रावस्था या अवस्था, यानी आर्थिक विकास की जो प्रावस्था या अवस्था होती है वो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करती है, प्रभावित करती है, उसके लिए क्या एक मुख्य आधार है। चौथा कारक देखिए, परिवहन। इसके बीच में किताब में एक दे रखा है विदेशी निवेश की सीमा, वो थोड़ा बड़ा है, इनमें से चार ही पूछेंगे तो चार याद करने। विदेशी निवेश की सीमा वो भी व्यापार में बढ़ाती है, जैसे विकासशील देश है उसमें व्यापार को बढ़ाने के लिए कृषि खनन उसमें दे रखा है, बागवानी आदि के लिए पूंजी का अभाव रहता है, तो विकासशील देश ऐसे पूंजी प्रदान उद्योगों के लिए आवश्यक है कि जहाँ पूंजी का अभाव है तो विकसित देशों से क्या करते हैं, कर अपने बाजार से जो कृषि संबंधित हैं उनको तो भेज देते हैं, और उनमें दूसरे जो औद्योगिक राष्ट्र हैं वो उनका निर्मित उत्पाद उनको बेच देते हैं, तो उनके मध्य क्या चलता रहता है, व्यापार चलता रहता है। अपन यहाँ चौथा कारक पढ़ रहे, परिवहन। केवल चार ही कारक याद करने, पहला राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नतापन ने पड़ा, दूसरा जनसंख्या कारक, तीसरा आर्थिक विकास की प्रावस्था या अवस्था, और चौथा परिवहन। देखिए परिवहन, प्राचीन समय में देखें तो परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्र में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। भी प्राचीन समय में देखें, जब व्यापार शुरुआत हुई थी उस समय देखें, 14वीं या 15वीं शताब्दी में देखें, तो परिवहन के जो पर्याप्त और समुचित साधन थे उसका क्या था, अभाव था, और स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। स्थानीय क्षेत्रों में लोग जहाँ पर होता था व्यापार वो कम क्षेत्र में होता था, क्योंकि बाहर लंबी दूरी के लिए देखें तो परिवहन के उनके पास साधन नहीं थे, इस प्रकार के साधनों का अभाव था कि लंबी दूरी तक क्या किया जा सके, व्यापार किया जा सके। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुएं, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका मूल्य बहुत अधिक था, जैसे रत्न है, रेशम है, मसाला है, इसका लंबी दूरी तक क्या होता था, व्यापार किया जाता था। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन का विस्तार हुआ, मतलब रेलवे रेल परिवहन का विकास हुआ, समुद्री परिवहन का विकास हुआ, वायु परिवहन का विस्तार हुआ, और प्रशीतलन यानी बड़े बड़े फ्रिज वगैरह आ गए, और परिरक्षण यानी ऐसी तकनीक आ गई जैसे उत्पाद लंबे समय तक क्या नहीं होते, खराब नहीं होते। तो बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया, यानी व्यापार ने भी देखें तो उसका जो स्थानिक विस्तार था उसका भी क्या हो गया, बहुत अधिक लंबे जो व्यापार था वो क्या हो गया, एक लंबी दूरी तक क्या हो गया, और परिवहन के साधनों के द्वारा उसमें क्या ये वृद्धि हुई है। तो चौथा आधार अपना परिवहन की प्राचीन समय में देखें तो परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव था, यानी प्राचीन समय में देखें तो परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव था, और स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था, यानी जो स्थानीय क्षेत्र विशेष थे उसमें व्यापार होता था, केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुएं थी जैसे रत्न है, रेशम है, मसाला है, या इनका ही लंबी दूरी तक क्या होता था, व्यापार किया जाता था। लेकिन बाद में रेल परिवहन का जैसे विकास हुआ, समुद्री परिवहन के द्वारा हुआ, वायु परिवहन का विस्तार हुआ, और प्रशीतलन यानी बड़े बड़े फ्रिज वगैरह आ गए जिसमें लंबे समय तक जो उत्पाद थे वो क्या नहीं होते, खराब नहीं होते, या परिरक्षण यानी इनकी उचित तकनीक आ गई जिसको लंबे समय तक खराब होने से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। तो व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया, यानी व्यापार ने भी क्या किया, एक स्थान विशेष से बहुत लंबी दूरी तक क्या हो गया, आज व्यापार किया जाने लग गया है। तो ये चार आधार हैं, बहुत अच्छे से याद करने, बहुत अच्छा प्रश्न है चार नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किन्हीं चार आधारों का वर्णन कीजिए। पहला राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, दूसरा जनसंख्या कारक, उसमें भी दो पढ़े पन्ने, सांस्कृतिक और जनसंख्या का आकार, तीसरा आर्थिक विकास की प्रावस्था या अवस्था, और चौथा पन्ने पढ़ा परिवहन। तो ये चार आधार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के याद करने अच्छे से।